Hey guys, welcome back again to our town crazy for Bollywood. मैं शुभांगी आज का काउंटडाउन लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें. नंबर 1. सलमान खान अपने लंदन टूर से वापस मुंबई लौट आए हैं. उन्हें मुंबई के प्राइवेट एयरपोर्ट कलीना पर अपने पर्सनल बॉडीगार्ड शेरा और स्टाफ के साथ टाइट सिक्योरिटी में स्पॉट किया गया. शेरा सलमान खान को उनकी सफेद रंग की एसयूवी तक लेकर गए क्योंकि एक्टर पैपराजी से बचना चाह रहे थे. सलमान खान चारों तरफ से टाइट सिक्योरिटी से घिरे हुए थे जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे. सलमान खान ने ब्लैक कलर की टी शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहनी थी. इसके साथ उन्होंने ग्रे कलर की लेदर जैकेट पहनी थी. नंबर 2. फैंस के लिए खुशखबरी है, पंचायत का सीजन 3 आपको एक बार फिर से हंसाने और गुदगुदाने आ रहा है. ये वेब सीरीज इसी महीने की 28 तारीख यानी कि 28 मई को रिलीज हो रही है. इस ऐलान के साथ ही फैंस का एक्साइटमेंट डबल हो गया है. पंचायत सीजन 3 को OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया जाएगा. इसका ऐलान करते हुए Amazon प्राइम वीडियो ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट भी शेयर किया है. नंबर 3. पवन कल्याण और बॉबी देओल की हरी हरा विरमल्लू पार्ट 1 का टीजर रिलीज हो गया है, जहां दोनों का ही लुक भी देखने को मिला है. कहानी आपको 17वीं सदी के मुगल साम्राज्य में ले जाती है, जहां वैसे ही सेट और विजुअल्स देखने को मिलते हैं. हरी हरा विरमल्लू पार्ट 1 की बात करें तो इसे क्रिश जगरला मूडी ने डायरेक्ट किया है और लिखा है. ये कहानी विरामल्लू की जिंदगी पर बेस्ड है, जिसमें बॉबी देओल और पवन कल्याण के अलावा नौरा फतेही, निधि अग्रवाल, विक्रमजीत, विक्र से लेकर तमाम सितारे नजर आने वाले हैं. नंबर 4. पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड की मौत के दावे को अमेरिका की पुलिस ने झूठा बताया है. कैलिफोर्निया की पुलिस के मुताबिक बुधवार को वहां से फ्रेस्नो इलाके में गोलीबारी की घटना जरूर हुई थी. इसमें दो लोग घायल भी हुए थे, जिनमें से एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. हालांकि ये शख्स गोल्डी बराड नहीं था. ABC न्यूज के मुताबिक बुधवार को हुई घटना गैंग वॉर से जुड़ी थी. पुलिस गोली चलाने वाले डेरन विलियम नाम के आरोपी की तलाश कर रही है. नंबर 5. अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की पुष्पा 2 से पुष्पा पुष्पा गाना रिलीज हो चुका है. पहला ट्रैक ही इतना खास है कि लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. पुष्पा पुष्पा गाना पुष्पा के दीवानों के लिए किसी ट्वीट से कम नहीं है. सोशल मीडिया पर पुष्पाइज्म के क्रेज को देखा जा सकता है, जो फिलहाल नए गाने पर रिस्पॉन्स दे रहे हैं. साथ ही बता रहे हैं कि उन्हें पुष्पा 2 का गाना कैसा लगा है. डायरेक्टर देवी श्री प्रसाद ने एक बार फिर ऐसा दमदार गाना बनाया है जो लोगों के दिलों को छू रहा है. नंबर 6. बॉलीवुड इंडस्ट्री के स्टार डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने अपकमिंग मूवी क्रिश 4 को लेकर एक बड़ा अपडेट शेयर किया है. उन्होंने बताया है कि ऋतिक रोशन जल्द ही सुपर हीरो बनकर लौटने वाले हैं. जैसे ही सोशल मीडिया पर क्रिश 4 को लेकर खबरें वायरल हुई, वैसे ही डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने इस पर रिएक्ट करके कहा कि हाँ, वो आ रहे हैं. बता दें कि लोग अभी से ही ये चर्चा करने लगे हैं कि बॉक्स ऑफिस पर ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश 4 धमाल मचाने वाली है. नंबर 7. बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ इन दिनों अपनी अपकमिंग स्पाई यूनिवर्स की वजह से चर्चा में है. इस बीच ये खबर सामने आई है कि दोनों इस मूवी के लिए तैयारियां शुरू कर चुके हैं. एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ की कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है. एक तस्वीर में आलिया भट्ट जिम वेयर में नजर आ रही है, वहीं दूसरी शर्वरी वाघ भी इसी लुक में दिखाई दे रही है. इन फोटोज पर लोग जमकर रिएक्ट करते नजर आ रहे हैं. नंबर 8. साहिल खान को लेकर नया अपडेट आया है. एक्टर की कोर्ट में सुनवाई हुई. सरकारी पक्ष के वकील ने कहा कि एक्टर जांच में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि साहिल के वकील का कहना है कि पुलिस के पास अब तक कोई भी सबूत नहीं है. फिलहाल एक्टर को 7 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है. वहीं साहिल खान के वकील ने दलील देते हुए साफ कहा है कि साहिल खान एक सेलिब्रिटी है, वो इन ऐप को भी प्रमोट करते हैं और ये एंडोर्समेंट ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है. नंबर 9. सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में गिरफ्तार आरोपी अनुस्थापन की जेल में मौत को लेकर मृतक के परिवार ने बड़ा दावा किया है. पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि अनुस्थापन की कथित तौर पर हत्या की गई है. हालांकि इस मामले में अभी पुलिस की जांच जारी है. इस मामले में पुलिस CID से मदद ले रही है. पुलिस ने अनुज की मौत को लेकर मामला दर्ज किया है. नंबर 10. पिछले दिनों ही पंकज त्रिपाठी के बहनोई की एक सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि उनकी बहन की हालत अब गंभीर बताई जा रही है. इस कारण अब एक्टर और उनका पूरा परिवार सदमे में है. बताया जा रहा है कि इन मुश्किल हालातों में पंकज त्रिपाठी ने अब काम से ब्रेक ले लिया है. बताया जा रहा है कि जिस समय पंकज की बहन और बहनोई का ये भयानक एक्सीडेंट हुआ, तब एक्टर अपने गाँव में थे. इस घटना की खबर मिलने के बाद से ही पूरा परिवार परेशान और सदमे में है. नंबर 11. हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की 44वीं सालगिरह है. इस मौके पर ड्रीम गर्ल ने धर्मेंद्र संग रोमांटिक फोटो शेयर की है. इस फोटो में एक्ट्रेस एक्टर के कंधे पर सिर रखे नजर आ रही है. हेमा के अलावा उनकी बड़ी बेटी ईशा देओल ने भी अपने पेरेंट्स को एनिवर्सरी की बधाई खास अंदाज में दी है. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक प्यारी सी फोटो शेयर की है. इस फोटो में हेमा धर्मेंद्र के कंधे पर सिर रखे हुए और दोनों मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं.
नंबर 12 एक्टर जॉन अब्राहम ने अपने एक फैन के जन्मदिन पर उसके दिन को बेहद खास बना दिया है। जॉन ने अपने मुंबई ऑफिस में इस फैन के जन्मदिन को केक काटकर और एक खास तोहफा देकर बेहद खास तरीके से सेलिब्रेट किया। दरअसल इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जॉन अपने फैन को उसके जन्मदिन पर सरप्राइज देते हैं और गिफ्ट में 22,500 रुपए के राइडिंग शूज भी गिफ्ट करते हैं। जॉन अब्राहम की इस दरिया दिली के फैंस कायल हो गए हैं और जमकर उनकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। नंबर 13 तापसी पन्नू ने मार्च में अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड मैथियास बॉय संग शादी कर ली है। तापसी ने अपनी शादी के लिए वेन्यू उदयपुर को चुना। तापसी पन्नू ने अपनी शादी के बारे में ना किसी को कोई जानकारी दी और ना ही कोई तस्वीर या वीडियो शेयर किया, लेकिन अब उनकी संगीत नाइट का एक वीडियो सामने आ गया है। द वेडिंग फैक्ट्री के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से तापसी पन्नू और मैथियास बॉय की संगीत नाइट का एक वीडियो शेयर किया गया है। नंबर 14 प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट समेत कई सेलेब्स ने किरण राव की लापता लेडीज की तारीफों में पुल बांधे हैं। प्रियंका चोपड़ा ने लिखा, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन के लिए थैंक यू, इस नगीने के लिए बधाई हो, ज्यादा फिल्में बनाओ। आलिया भट्ट ने भी अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम के स्टोरी सेशन में पोस्ट किया। आलिया ने लिखा, क्या कमाल समय फिल्म में रहा है। आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी लापता लेडीज ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर मूवीज कैटेगरी में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। एंड नंबर 15 रणबीर कपूर और साई पल्लवी की अपकमिंग फिल्म रामायण के सेट से हाल ही में कुछ तस्वीरें लीक हुई थी। अब कहा जा रहा है कि फोटोज लीक होने के बाद फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी ने बड़ा फैसला लिया है। फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग मुंबई के फिल्म सिटी में चल रही है। बताया जा रहा है कि आउटडोर शूटिंग चल रही थी, इसी वजह से तस्वीरें लीक हो गई। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस चीज से बचने के लिए अब ज्यादातर सीन इंडोर में फिल्माए जाएंगे। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।